आप लोगों के लिए एक नाटक तैयार किया है। कैसा नाटक? कौन सा नाटक? अरे भाई, इस नाटक के माध्यम से हम अरे इस नाटक में एक कहानी है, बड़ी गौर से सुनने वाली। और ये कहानी शर्म से पानी पानी है, और ये कहानी पूरी सरे गली है, और इस कहानी में शहर की हर एक गली है। इस नाटक में गंदगी की भरमार है, ये कहानी तो पूरी बदबूदार है। ये नाटक है या कचरे की कहानी? और नाले में रुका हुआ पानी है। अजब सा नाटक, अजब सा नाटक। अरे गजब नहीं, गजब गजब का नाटक। अजब का नाटक, अजब का नाटक। यहाँ भी नाटक, वहाँ भी नाटक। वहाँ जी नाटक, वहाँ जी नाटक। अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए, जरूरत रहने तो सही। पहले इस नाटक की हमारी स्टार कास्ट को मिल लीजिए। मेहरबान कदरदान साहिबान, आपकी जोरदार ताली हो जाएगी, वरना बाद में पछताएगा। एक बार हमारी पूरी नाटक की टीम के लिए जोरदार हमारे दृश्य आपके सामने आ रहे हैं, एक एक करके। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, और मैं कचरा भी फैलाता हूँ। कौन बोला, कौन बोला? कोई नहीं गुरुजी। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं रिफाइनरी में बड़े बड़े कंप्रेसर और पंप चलाता हूँ, और कचरा भी फैलाता हूँ। क्या जी? हाँ। नमस्कार, मेरा नाम राम सिंह है, मैं ठेकेदार हूँ, और मैं रिफाइनरी में मजदूरों की सेवाएं उपलब्ध कराता हूँ, और मैं कचरा भी फैलाता हूँ। हाँ भाई हाँ। नमस्कार, मैं विपिन, मैं एक डॉक्टर हूँ, और लोगों का इलाज करता हूँ, और मैं कचरा भी फैलाता हूँ। क्या? क्या? हाँ भाई हाँ। नमस्कार, मेरा नाम विशाल है, और मैं एक क्लर्क हूँ, और मैं कचरा भी फैलाता हूँ। जी हाँ। हाँ हेलो, नमस्कार, मेरा नाम रामलाल है, ये बाजुआ में अपनी रिफाइनरी में के पास अपने किराने की दुकान है, मैं दुकान चलाता हूँ, घर चलाता हूँ, और साथ में मैं भी चलाता हूँ। मेरा नाम क्षितिज है, मैं विद्यार्थी हूँ, और मैं कक्षा में अव्वल भी आता हूँ, और मैं कचरा भी फैलाता हूँ। जी हाँ। और मैं रिफाइनरी की सुरक्षा करता हूँ, और मैं कचरा भी फैलाता हूँ। चाहे तो हम जाए थक करके थके या नहीं थके, लेकिन हमारा नाटक का पहला दृश्य आपके सामने लेके आ रहा हूँ। हमारे इस नाटक में देखिए, अभी कुछ दूर चलकर गुरु जी और उसका दोस्त हमारे साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पहला दृश्य लेकर इस दृश्य का आनंद लीजिए, और गुरु जी की बातें सुनी जरूर करके देखिए क्या करते हैं। और गुरु जी क्या हाल है, क्या चल रहा है घर पे, आपके सब बढ़िया है? हाँ हाँ सब बढ़िया है। सुबह उठता हूँ, जॉब जाता हूँ, वापस आता हूँ, बीवी की डांट सुनता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। बातें बहुत हो गई, आप थोड़ा चाय वाय पीते हैं? काम करती है ये शिक्षक। चलिए गुरु जी ने तो गुरु जी की अपने हरकतें देख ली, अब बात करते हैं दूसरी दूसरे दृश्य की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरे दृश्य में हमारे साथ दुकान खोलने का टाइम हो गया है, लाला जी आए हो दुकान खोलने, लगता है काफी सफाई पसंद है। लेकिन सफाई इनको सिर्फ दुकान की पसंद है, देखो जरा इनको आडू से लगा रहे हैं दुकान में। अरे ये गुरु जी आ गए, लाला जी आ गए, अब बारी है। देखिए गुजरात बड़ा प्रसिद्ध है घूमने के लिए, तो चलिए हमारे कुछ टूरिस्ट भी हमारे साथ आ रहे हैं, तो टूरिस्ट की क्या हरकतें हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या सफाई के बारे में ध्यान रखते हैं, देखिए तीसरे दृश्य के बारे में। चलिए टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे बीच में। हाँ भाई, आप यार हम लोग देखने जो आए थे, वाकई में आज क्या गजब का बनाया है। एक काम करते हैं, चलिए नीचे से सही लग रहा है, ऊपर से देखते हैं, बहुत सही नजर आ होगा बाहर का। नहीं यार रुको यार, गर्मी बहुत है, पहले पानी हो तो पानी दो। ये मेरे पास पानी है, बाइक से निकालता हूँ। ये पानी की बोतल तो खत्म होती जा रही है। भाई 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 मुझे भी दो ना पानी, प्यास लग रही है। ये कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेंगे, देखो जरा लगता तो यही है। पानी तो खत्म हो गया, एक काम कर दो बोतल रख ले, बैग में काम आएगी बात। अरे खाली बोतल है, बैग में क्या रखनी है, एक ही देख लीजिए, डस्टबिन पड़ा होगा फेंक दीजिए। अरे नहीं यार, डस्टबिन तो डर का ही नहीं दिख रहा है। अरे एक काम कर, कोई नहीं देख रहा, बस देख ले। फेंका इधर, फेंका उधर, फेंका यहाँ, फेंका वहाँ, फेंका। वाह 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 जी वाह, देते हैं हम सब पहले, सब सड़क पर, सब सड़क पर।
अभी उन्होंने बोला खाली पी कर शंख की बोतल हम सब सड़क पर फेंक देते हैं। अरे हम आज तक यही तो करते आए हैं और कब तक हम यही करते रहेंगे। जैसे स्वच्छता अभियान हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वाकई में हमने इस स्वच्छता अभियान को अपने दिल में उतारा है? अगर दिल में उतारा होता तो आज हमें ये शंख की खाली शीशियां बोतल साबुन के पाउच इधर उधर बिखरे से नहीं मिलते। देखिए हम हमारी मानसिकता देखिए, जो बंदा कूड़ा उठाता है जो कचरा साफ करता है हम उसको बोलते हैं कूड़े वाला कचरे वाला, जबकि वो तो सफाई वाला है। कूड़े वाला तो हम है, कचरे वाला तो हम है, क्योंकि अपनी मानसिकता ऐसी हो गई है कि अगर हमें ये सोचना चाहिए कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा या हमसे कम पढ़ा लिखा, जो सफाई कर रहा है वो हमसे थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, हम थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे ये सोचते हैं, फिर भी अगर वो हमसे बेहतर काम करता है तो हमारे ज्यादा पढ़े लिखे होने में उसके कम पढ़े लिखे होने में क्या फायदा? हमारी बड़ी बड़ी डिग्रियां किस काम की जब हम सफाई को ध्यान नहीं दे सकते? हम सबको पता है, हमने सबने किताबों में सब कुछ पढ़ा है सफाई करनी चाहिए, बचपन से पढ़ के आ रहे, लेकिन इतने सालों बाद ये स्वच्छता अभियान क्यों शुरू करना पड़ा? कहीं ना कहीं हमारी गलती है इसमें, तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए और बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे स्वच्छता के बारे में, सब लोग जानते हैं सभी पढ़े लिखे हैं सभी। ये गंदगी क्यों फैलाते हैं लोग, ऐसा क्यों होता है? एक तरफ हम सफाई पसंद करते हैं और दूसरी तरफ हम गंदगी फैलाते हैं। बताओ बताओ बताओ। अरे भाई मेरे से नहीं, इनसे पूछो जो मैंने सवाल किया, आप लोग बताइए क्यों फैलाते हैं हम गंदगी? बताइए बताइए बताइए, आप लोग क्यों फैलाते हैं? कोई चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तो क्यों फैलाते हैं हम गंदगी? क्या मानसिकता रहती है हमारी गंदगी फैलाने की? और हम क्यों लोगों को संदेश नहीं दे पाते जब हम पता है कि वो बंदा कचरा फेंक रहा है, कार में से बोतल फेंक रहा है, फिर भी हम उसको कुछ बोल नहीं पाते? मेरे को क्या लगता है वो शर्म का फैक्टर आ जाता है, ये कर रहा था मैं क्या करूँ, क्या लगता है आपको? हाँ शर्म का भी हो सकता है, और दूसरी बात आजकल ये मानसिकता है कि हमें क्या मतलब, हमें अपने काम से मतलब है, दूसरा क्या कर रहा है उसमें हम क्यों ध्यान दें? आजकल ये मानसिकता की वजह से लोग दूसरे को ज्ञान नहीं दे पाते या समझा नहीं पाते। अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठी कसने की स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत।